नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि बिलों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को 2020-21 की 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2021-22 के लिए लागू होगा। हालांकि सरकार ने एमएसपी में जिस वृद्धि का ऐलान किया है वो पिछले सालों के मुकाबले कम है। गेहूं की एमएसपी में महज 2.6% बढ़ोतरी की गई है, जो कि पिछले 11 सालों में सबसे कम वृद्धि है। अन्य फसलों मसलन जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के लिए घोषित एमएसपी में भी पिछले साल की तुलना में कम बढ़ोतरी की गई है। सरकार की घोषणा के मुताबिक 2020-21 की रबी फसल के लिए गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जो 2019-20 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं को लेकर निर्धारित एमएसपी 1925 रुपए से 2.6% ही अधिक है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि फीसदी के लिहाज से गेहूं की एमएसपी में यह वृद्धि 10 वर्षों में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009-10 में गेहूं की एमएसपी में महज 1.85% की वृद्धि करते हुए प्रति क्विंटल इसकी कीमत 1100 रुपए तय की गई थी। वहीं 2008-09 में प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत 1080 रुपए थी। बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद ट्वीट कर गेहूं के समर्थन मूल्य में 2.6% के बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित, गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि, समर्थन मूल्य में 2.6% की वृद्धि, लागत मूल्य पर किसानों को 106% का मुनाफा। हालांकि एक अन्य ट्वीट में उन्होंने 2013-14 के मुकाबले गेहूं के एमएसपी में 41% बढ़ोतरी का दावा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वर्ष 2013-14 में गेहूं की एमएसपी 1400 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1975 रुपए हो गई, यानी एमएसपी में 41% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन चूंकि सरकार का वादा है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेगी, ऐसे में अब महज 2 साल में गेहूं के किसानों की आय में 59% का इजाफा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।